नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रेजुएट एकेडमी में, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं एजुकेशनल वीडियोस। हमारे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकॉन को, ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने भारत को एक नया विषय दिया तथा ज्ञान को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक विशेष विषय लाइब्रेरी साइंस के जनक पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर एस आर रंगनाथन। दोस्तों, यह वीडियो दो भागों में है, जिसमें शुरुआत में हमने आपको रंगनाथन जी के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और उनसे जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में बताया है, और उसके बाद अगले भाग में रंगनाथन जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न जो एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त को हुआ था। जब उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया तो उनकी जन्म तिथि 12 अगस्त दर्ज की गई थी, अतः 12 अगस्त को ही उनकी याद में राष्ट्रीय लाइब्रेरियन डे नेशनल लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। श्याली रामामृत रंगनाथन। एस आर रंगनाथन का जन्म 9 अगस्त 1892 को मद्रास राज्य के तंजौर जिले के श्याली नामक क्षेत्र में हुआ था। जब वे सिर्फ 6 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का निधन हो गया और उनकी देखरेख उनके दादाजी ने की। सन 1916 में रंगनाथन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से गणित में एमए किया, फिर एक साल का प्रोफेशनल टीचिंग का कोर्स किया। उनका शिक्षण का विषय गणित और फिजिक्स था। पहली नियुक्ति 1917 में गवर्नमेंट कॉलेज बेंगलोर में हुई। बाद में उन्होंने 1920 में गवर्नमेंट कॉलेज कोयम्बटूर और 1921 से 23 के दौरान प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। उनकी शिक्षण कार्य में गहन रुचि थी, परंतु बहुत कम तनख्वाह होने के कारण गुजारा ढंग से नहीं हो पा रहा था। भाग्य से कुछ समय बाद मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन की पोस्ट निकली, जिसमें ठीक ठाक वेतन का ऑफर था। इस प्रकार नई पोस्ट होने के कारण 900 के लगभग आवेदकों में से हर एक अनुभवहीन था। गणित के विषय का जानकार होने के कारण उनको सिलेक्शन में आसानी हुई। वे मद्रास विश्वविद्यालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए। शुरू शुरू में रंगनाथन को यह कार्य रुचिकर लगा, परंतु एक हफ्ते के अंतराल में ही उनका मन इससे उचट गया। वे विश्वविद्यालय प्रशासन के पास अपना पुराना शिक्षण कार्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लेकर पहुंच गए। उच्च अधिकारियों ने उनके सामने एक शर्त रखी कि रंगनाथन लाइब्रेरियनशिप में समकालीन पश्चिमी तौर तरीकों का अध्ययन करने के लिए लंदन की यात्रा करेंगे। यदि वापस आने पर भी उनका इस कार्य में मन नहीं लगता है तो उनको गणित टीचिंग की पोस्ट पर नियुक्ति दे दी जाएगी। यह विडंबना ही है कि जो व्यक्ति अपनी रुचि के विपरीत मजबूरी में इस क्षेत्र में आया था, यह कार्य उसके मन में इस तरह रच बस गया कि लाइब्रेरी साइंस को ही पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने 9 माह के प्रवास के दौरान यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की क्रॉयडन पब्लिक लाइब्रेरी के प्रमुख लाइब्रेरियन बेलबिक सेयर्स के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण की। इसी दौरान उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकालयों का दौरा किया, वहाँ की कार्यविधि देखी। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन में समाज के हर तबके के लिए पुस्तकालय खुला होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी पाया कि हर लाइब्रेरी की अपनी कार्यविधि, भवन, औजार और सिद्धांत हैं। उन्होंने महसूस किया कि प्रत्येक पुस्तकालय का एक समान सिद्धांत और कार्यविधि होनी चाहिए। इसलिए रंगनाथन ने एक लाइब्रेरी विज्ञान का एक समान सिद्धांत बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से उसमें झोंक दिया। सन 1925 में भारत वापस आने पर उन्होंने अपने विचारों को पूर्ण पैमाने पर लागू करना शुरू कर दिया। मद्रास विश्वविद्यालय की 20 साल की सेवाओं के बाद उपकुलपति के साथ विवाद के बाद उन्होंने 1945 में स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया और रिसर्च कार्य में जुट गए। डॉक्टर रंगनाथन जी का लाइब्रेरी साइंस में योगदान। हालांकि लाइब्रेरी का वर्गीकरण और उसको सूचीबद्ध करने का रंगनाथन का सर्वोत्तम योगदान है, उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान के सभी पहलुओं पर 50 से अधिक पुस्तकें और 1000 से अधिक रिसर्च पेपर प्रकाशित किए। अपने करियर के दौरान
वह 25 से ज्यादा समितियों के सदस्य या अध्यक्ष रहे, जिसमें उन्होंने पुस्तकालय प्रशासन, पुस्तकालयों की शिक्षा और पुस्तकालय कानून जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य किया था। यद्यपि रंगनाथन को व्यापक रूप से भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन उनकी प्रसिद्धि देश की सीमाओं को लांग गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र लाइब्रेरी की नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा दस्तावेजों को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण के अनुरूप ढालने में अपना योगदान दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने डॉ. रंगनाथन के 71वें जन्म वर्षगांठ के अवसर पर बधाई देते हुए लिखा, डॉ. रंगनाथन ने न केवल मद्रास विश्वविद्यालय ग्रंथालय को संगठित और अपने को एक मौलिक विचारक की तरह प्रसिद्ध किया, अपितु संपूर्ण रूप से देश में पुस्तकालय चेतना उत्पन्न करने में साधक रहे। भारत सरकार ने रंगनाथन को राव साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया और 1957 में उन्हें पुस्तकालय विज्ञान में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। रंगनाथन को 1965 में भारत सरकार ने लाइब्रेरी विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नामित किया। वे योजना आयोग और भारत सरकार के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सलाहकार भी रहे। डॉक्टर रंगनाथन हमारे देश में लाइब्रेरी और पुस्तकालय विज्ञान की वास्तविक आवश्यकता की पहचान करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र में उनके योगदान को याद करते हुए देश में 12 अगस्त को राष्ट्रीय लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य जिनकी वजह से डॉक्टर रंगनाथन का उनके कार्य के प्रति जुनून बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। रंगनाथन सप्ताह में 7 दिन और प्रतिदिन औसतन 16 घंटे कार्य करते थे। मद्रास विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन के 20 वर्षों के दौरान उन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। वे गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। अच्छी आय के बावजूद बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। वह आम तौर पर नंगे पांव ही लाइब्रेरी में चलते थे। वे कहा करते थे कि पुस्तकालय उनका घर समान है और कोई भी अपने ही घर के अंदर जूते नहीं पहनता। पुस्तकालय उनके दिल में बसता था। कभी कभी तो वे अपने काम पर इतना तल्लीन हो जाते थे कि खाने के समय का भी भान नहीं होता था और बिना सोए ही पूरी रात बिता देते थे। वो समय के बहुत पाबंद थे। कभी किसी मीटिंग में देर से नहीं पहुंचे। वे पुस्तकालय भी सबसे पहले पहुंचते थे और वहां से निकलने वाले सबसे आखिरी व्यक्ति होते थे। वे प्राप्त हुए पत्रों का जवाब उसी दिन दे देते थे। वे प्रत्येक पत्र को पढ़ते और हस्तलिखित उत्तर ही देते थे। वे जीवन के अंतिम वर्षों तक अनुसंधान कार्य में सक्रिय रहे। एसआर रंगनाथन की मृत्यु 27 सितंबर 1972 को 80 वर्ष की उम्र में बेंगलोर में हुई। तो दोस्तों, ये जाना हम सभी ने रंगनाथन जी के बारे में तथा उनके जीवन में घटित हुई कुछ घटनाओं के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्टर रंगनाथन जी के ऐसे कार्य तथा उनसे जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में आपको कभी पुस्तकालय से संबंधित परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे, जो अक्सर नेट, केंद्रीय विद्यालय, लाइब्रेरी असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन और लाइब्रेरियन के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा और पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं आगे। पर एसआर रंगनाथन का पूरा नाम श्याली राममृत रंगनाथन अय्यर था। रंगनाथन का जन्म 12 अगस्त 1892 को तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले में श्याली नामक स्थान पर हुआ। रामामृत अय्यर डॉक्टर एसआर रंगनाथन के पिता थे। उनकी माता का नाम सीता लक्ष्मी था। रंगनाथन के दो विवाह हुए। उनका प्रथम विवाह 1907 में रुक्मणी से हुआ। उस समय रंगनाथन की उम्र मात्र 15 वर्ष थी। रंगनाथन ने दूसरा विवाह शारदा से दिसंबर 1929 में किया। रंगनाथन मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए जनवरी 1924 में। रंगनाथन के एकमात्र पुत्र का नाम श्री आर योगेश्वर था। डब्ल्यू सी वॉरविक सेयर्स, जो कि क्रॉडन पब्लिक लाइब्रेरी के चीफ लाइब्रेरियन थे और यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप लंदन के लेक्चरर थे,
वो इंग्लैंड में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के टीचर रहे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने सबसे पहले सेल्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और सभी यूजर्स के लिए ओपन एक्सेस को प्रोवाइड कराया। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने अपनी मास्टर डिग्री मैथमेटिक्स में पूरी की। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसकी स्थापना 1929 में रंगनाथन ने की, ये सबसे पहले मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के सपोर्ट में था और उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। एस आर रंगनाथन को डॉक्टर राधाकृष्णन ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए 1945 में इनवाइट किया। सर मॉरिस गॉयर ने सन 1947 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनवाइट किया। रंगनाथन 1965 में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर घोषित किए गए। कॉलन क्लासिफिकेशन पहला मेजर एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसकी खोज डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने की। डॉक्टर एस आर रंगनाथन 1944 से 53 तक इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने कॉलन क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप किया। कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933 में पब्लिश हुआ। रंगनाथन ने अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत एक मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ के रूप में की। एस आर रंगनाथन को FID का ऑनरेरी मेंबर 1957 में चुना गया। उन्होंने अपनी BA और MA की डिग्री मैथमेटिक्स में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से पूरी की। डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर DRTC की स्थापना की। रंगनाथन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन लाइब्रेरी साइंस, इनकी पुस्तक का नाम है 5 Laws ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि 1931 में पब्लिश हुई। उसके बाद कॉलन क्लासिफिकेशन, जो कि 1933 में पब्लिश हुआ। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, यह 1934 में पब्लिश हुआ। प्रोलीगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह 1937 में पब्लिश हुआ। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड थ्योरी ऑफ द लाइब्रेरी कैटलॉग, ये 1938 में पब्लिश हुआ। एलिमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यह 1945 में पब्लिश हुआ। क्लासिफिकेशन एंड कम्युनिकेशन, यह 1951 में पब्लिश हुआ। हेडिंग्स एंड कैनॉन्स, यह 1955 में पब्लिश हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।